नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतियोगिता दर्पण की जो हिंदी मासिका आती है, उस हिंदी मासिका का इस वर्ष का संपूर्ण जो खेल प्रदर्श्य है वह इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, खेल प्रदर्श्य में हम जनवरी 2019 से लेकर सितंबर 2019 तक का संपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसके अलावा आपको कहीं से भी इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, आरपीएससी की कर रहे हो, एमपीएससी की कर रहे हो, या अन्य भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इसके अलावा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो आप लाइक जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन इस प्रकार का घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अब शुरू करते हैं खेल प्रदर्श्य का संपूर्ण एमसीक्यू हम आपके लिए लिख रहे हैं, तो वह शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्कशन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड करके वहां पर टेलीग्राम से हमें जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी या अन्य भी स्टडी से रिलेटेड और भी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 2019 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का किताब किसे दिया गया है? तो ये किताब दोस्तों सुनील छेत्री को दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का किताब दिया गया सुनील छेत्री को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 2019 में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान फुटबॉलर का किताब किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का किताब तो सुनील छेत्री को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ उदीयमान फुटबॉलर का जो किताब दिया गया है वह दोस्तों अब्दुल सहल को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो हाल ही में दोस्तों सचिन तेंदुलकर को, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इससे पहले दोस्तों हॉल ऑफ फेम में कितने भारतीयों को शामिल किया जा चुका है? अगला प्रश्न भी यही है, तो ये दोस्तों 5 को शामिल किया जा चुका है, जिनमें नाम आपको बता दूं, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़। तो इनको पहले हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। अभी दोस्तों शामिल किसे किया गया है? सचिन तेंदुलकर को किया गया है। नेक्स्ट है, एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 किस देश ने जीता है? तो ये दोस्तों इंग्लैंड ने जीता है, तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपने हमारे प्रतियोगिता दर्पण के अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी कलाम स्टडी चैनल के होम पेज पर जाकर प्ले लिस्ट में प्रतियोगिता दर्पण पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2019 के फाइनल के विजेता का फैसला किस आधार पर हुआ था? तो ये जो फैसला हुआ था ये बाउंड्रीज के आधार पर हुआ था। आपको बता दें दोस्तों कि फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य फाइनल मैच हुआ था, जिनमें दोनों टीमों के बराबर रन रहे थे। उसके बाद में सुपर ओवर होता, सुपर ओवर में भी दोनों टीमों के 15-15 रन बराबर रन रहे। उसके बाद दोस्तों किस टीम की बाउंड्री अधिक है, इसके आधार पर विजेता का फैसला किया गया, और बाउंड्रीज इंग्लैंड की अधिक थी तो इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2019 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बना? तो मैन ऑफ द मैच जो बने उनका नाम है बेन स्टोक्स। तो मैन ऑफ द मैच ये बने, तो मैन ऑफ द दोस्तों जो सीरीज है, टूर्नामेंट है, वह किसे बनाया गया? तो आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया केन विलियमसन को। तो केन विलियमसन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विमल्टन टेनिस 2019 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो पुरुष वर्ग के जो विजेता बने हैं उनका नाम है नोवाक जोकोविच, उनके पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं। नेक्स्ट है, विंबलडन टेनिस 2019 में महिला वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो महिला वर्ग के विजेता दोस्तों सिमोना हालेप हैं, वह महिला वर्ग की विजेता बनी है। नेक्स्ट है, डिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से दोस्तों हिमा दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमा दास ने जुलाई 2019 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हिमा दास ने दोस्तों जुलाई 2019 में टोटल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एवं महिला वर्ग में विजेता कौन सा देश रहा है? तो पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में दोनों वर्गों में ही भारत देश है वह विजेता रहा है, तो इंडिया इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? तो इगोर सिटमेक हैं, ये भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? तो भारतीय पुरुष जो वॉलीबॉल टीम है
उसके कोच दोस्तों ड्रेगन मिहिलोविक को बनाया गया है। नेक्स्ट है गेम चेंजर, किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये गेम चेंजर है, ये पाकिस्तानी जो कप्तान थे, पूर्व कप्तान थे शाहिद अफरीदी, उनकी आत्मकथा है गेम चेंजर। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन टेनिस 2019 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो फ्रेंच ओपन टेनिस 2019 में पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं, उनका नाम है राफेल नडाल। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेंच ओपन टेनिस 2019 में महिला वर्ग में विजेता कौन बनी है? तो महिला वर्ग की विजेता है एस्ले बार्टी है, ये महिला वर्ग की विजेता रही हैं। नेक्स्ट है एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं? तो सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा है, तो भारतीय रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं? तो सर्वाधिक विकेट जिस खिलाड़ी लिए हैं उनका नाम है मिशेल स्टार्क हैं, उन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में 5 शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया है? तो 5 शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में टोटल 5 शतक ही बनाए थे। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी फुटबॉल टीम रही है? तो हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में जो पहले स्थान पर जो टीम रही है उसका नाम है बेल्जियम, तो बेल्जियम इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन से स्थान पर रहा है? तो भारतीय फुटबॉल टीम जो रही है वह 101वें स्थान पर रही है, तो 101वां स्थान इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों 35वीं स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती है? तो 35वीं जो स्नूकर चैंपियनशिप है वह पंकज आडवाणी ने जीती है, तो पंकज आडवाणी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में रमेश जाधव ने रजत पदक अपने नाम ही किया है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इस देश का नाम है नीदरलैंड, तो ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नीदरलैंड में किया गया। अगला प्रश्न है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में भारत 3 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वह 3 पदकों के साथ में 6ठे स्थान पर ही रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी टीम लगातार 30वें वर्ष टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर रही है? तो भारतीय टीम है वह लगातार 30वें वर्ष है वह टेस्ट रैंकिंग में भी पहले स्थान पर ही रही है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किन 2 देशों को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों अमेरिका और जो और ओमान है, इन 2 देश हैं, इनकी क्रिकेट टीम को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दर्जा दिया गया है, तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो गया। तो अमेरिका और ओमान की भी क्रिकेट टीम तैयारी हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वह फुटबॉल से है, तो फुटबॉल इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 23वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? तो 23वीं जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसका आयोजन दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था। 23वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का स्थान क्या रहा है? इसमें भारत का जो स्थान रहा है वह 4था स्थान रहा है, तो डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, यानी जो 23वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसका ये जो आयोजन किया गया था ये कौन सा संस्करण था? तो ये 23वां संस्करण इसका आयोजन किया गया था। आयोजन की तिथि क्या थी? तो ये 21 से 24 अप्रैल तक का इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल कौन सा था? तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था। पहले स्थान पर जो टीम रही है वह बहरीन की रही है 22 पदकों के साथ में। भारत का स्थान 4था स्थान रहा है, उसमें 17 पदकों के साथ में भारत में का स्थान 4था स्थान ही रहा है। तो भारत की ओर से जो गोल्ड मेडल जीते गए, स्वर्ण पदक जीते गए हैं, उनमें पहला स्वर्ण पदक है तेजिंद्र पाल सिंह, जिन्होंने शॉटपुट में जीता है, और गोमती मरिथुम ने 800 मीटर दौड़ में और पीयू चित्रा ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम में किए थे। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 23 से 28 अप्रैल 2019 को कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों सियान चीन में किया गया था। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो बजरंग पूनिया ने भारत की ओर से एकमात्र जो गोल्ड मेडल है वह जीता था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कब किया गया? तो 23 से 28 अप्रैल 2019 को किया गया। आयोजन स्थल सियान चीन है। भारत के द्वारा जीते गए पदक 1 स्वर्ण पदक सहित
कुल 16 पदक जीते हैं। भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो बजरंग पूनिया है। यह उनका एशिया चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल है। अगला प्रश्न देखते हैं। ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल का आयोजन कहां पर किया गया? तो ISSF वर्ल्ड कप राइफल या पिस्टल का जो आयोजन किया गया वह बीजिंग चीन में किया गया था। ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? कौन सा स्थान रहा है? भारत ने टोटल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, तब भारत का इसमें प्रथम स्थान ही रहा है। नेक्स्ट है, ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल का आयोजन तिथि क्या थी? तो ये 21 से 29 अप्रैल 2019 को इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहां पर किया गया? बीजिंग चीन में किया गया। भारत का स्थान कौन सा रहा? पहला स्थान रहा। भारत द्वारा जीते गए पदक 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक इसमें खास रहे हैं। नेक्स्ट है, 1000वीं फॉर्मूला वन रेस जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो 1000वीं जो फॉर्मूला वन रेस जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है वह क्रिकेट से रहा है। तो क्रिकेट इसका सही उत्तर हो गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2018-19 का आयोजन किया गया था। यह कौन सा संस्करण था? यह 10वां संस्करण था। प्रारूप कौन सा था? इसमें 2020 फॉर्मेट में 20-20 ओवरों के मैच इसमें खेले गए थे। इसका आयोजन कौन करवाया? तो इसका आयोजन दोस्तों BCCI के द्वारा किया गया। विजेता कौन सी टीम रही? विजेता कर्नाटक की टीम रही और उपविजेता जो रही वह महाराष्ट्र राज्य की टीम उपविजेता रही। अगला प्रश्न है, ISL यानी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के 5वें संस्करण को किसने जीता है? तो ये बेंगलुरु FC ने इसे जीता है। अगला प्रश्न है, दुबई ओपन टेनिस 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये रोजर फेडरर ने जीता है। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन पटियाला पंजाब में किया गया था। नेक्स्ट है, सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये दोस्तों भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। नेक्स्ट है, भारत की ओर से दोस्तों किसने स्वर्ण पदक जीते हैं? वो 3 गोल्ड मेडल हैं, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है सौरभ चौधरी, मनु भाकर और अपूर्वी चंदेला। इन तीनों ने स्वर्ण पदक अपने नाम ही किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2019 का 85वां जो संस्करण का खिताब है वह किस टीम ने जीता? वह विदर्भ ने जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरानी ट्रॉफी 2019 का 57वां संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था? तो यह भी दोस्तों विदर्भ ने ही जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, 83वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? तो इसके जो पुरुष वर्ग के विजेता रहे हैं उनका नाम है सौरभ वर्मा। तो सौरभ वर्मा इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, 83वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला वर्ग की विजेता कौन रही है? तो इनका नाम है साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2019 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? उनका नाम भी दोस्तों साइना नेहवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2रे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य है, ये इसमें ओवरऑल चैंपियन ही रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2019 महिला एकल वर्ग की विजेता कौन रही है? तो नाओमी ओसाका जो जापान की है वह इसकी विजेता रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, होप मेन कप 2019 टेनिस टीम स्पर्धा पुरुष एकल विजेता कौन रही है? तो रोजर फेडरर रही है। अगला प्रश्न है, होप मेन कप 2019 टेनिस टीम स्पर्धा पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? उनका नाम है एंजोलिक कर्बर है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराने वाली पहली एशियन टीम कौन बन गई है? उनका नाम भी भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2019 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? साइना नेहवाल है। अगला प्रश्न है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2019 के 4थे संस्करण की विजेता टीम रही है, तो उसका नाम दोस्तों बेंगलुरु रेप्टर्स। यानी प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2019 के 4थे संस्करण की जो विजेता रही है उसका नाम है बेंगलुरु रेप्टर्स है। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 2018-19 के
छठे संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही है? उसका नाम है बेंगलुरु बुल्स हैं, वह इसकी विजेता रही हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें जो चैंपियन रहा है उसका नाम है महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका दूसरे संस्करण का जो आयोजन किया गया वह पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन किया गया यह भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो यह दोस्तों बेल्जियम ने जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2018 जीतने वाली पहली भारतीय शटलर का क्या नाम है? तो पीवी सिंधु हैं, वह बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल 2018 जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई हैं। नेक्स्ट है, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों को टेनिस चैंपियनशिप डेविस कप 2018 किस देश ने जीता है? तो यह क्रोएशिया ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह पंकज आडवाणी ने जीती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छठी बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो MC मैरीकॉम ने छठी बार वह स्वर्ण पदक जीता है।